बात करते हैं दिल्ली से बड़ी खबर के साथ, जहां दिल्ली के आईटीओ में आम आदमी पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन दिखाई दिया। केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन किया। ब्रिज पर मैं भी हूं केजरीवाल का बैनर लगाया गया। केजरीवाल को रिहा करने की मांग की। गैर कानूनी तरीके से केजरीवाल को गिरफ्तार करने का आरोप है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से, जहां पर ब्रिज पर मैं भी हूं केजरीवाल का बैनर लगाया गया है। केजरीवाल को रिहा करने की मांग की गई। गैर कानूनी तरीके से केजरीवाल को गिरफ्तार करने का आरोप है। दिल्ली के आईटीओ में आम आदमी पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन दिखाई दिया। केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन किया। दिल्ली के आईटीओ में आम आदमी पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। ब्रिज पर मैं भी हूं केजरीवाल का बैनर लगाया, तो केजरीवाल को रिहा करने की मांग भी की। ये बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां केजरीवाल की गिरफ्तारी पर आम आदमी पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। तस्वीर आपको दिखा रहे, देखिए जरा आईटीओ ब्रिज पर किस तरीके से महिलाओं ने बड़ा सा बैनर लगाया और इसमें मैं भी हूं केजरीवाल लिखा। इस मौके पर प्रदर्शन किया गया। वहीं ईडी कस्टडी से सीएम केजरीवाल का पहला निर्देश सामने आया है। जल मंत्री को सीएम केजरीवाल ने निर्देश दिया। दिल्ली में पानी की समस्या को लेकर निर्देश दिया। जल मंत्री आतिशी ने केजरीवाल का निर्देश पढ़ा। केजरीवाल पानी की समस्या को लेकर चिंतित हैं। पानी की समस्या को लेकर ध्यान देने को कहा है। जरूरत पड़ने पर एलजी से बात करें, सीएम ने यह भी कहा। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जल मंत्री आतिशी ने केजरीवाल का निर्देश पढ़ा। ईडी की कस्टडी से सीएम केजरीवाल ने पहला निर्देश दिया है। जल मंत्री आतिशी को यह निर्देश दिया गया है। दिल्ली में पानी की समस्या को लेकर निर्देश दिया गया। जल मंत्री आतिशी ने केजरीवाल का निर्देश पढ़ा और इस मौके पर उन्होंने बताया कि केजरीवाल पानी की समस्या को लेकर चिंतित हैं। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने कहा कि सीएम केजरीवाल गिरफ्तार हैं, लेकिन दिल्ली वालों का कोई काम नहीं रुकेगा। वहीं मनोज तिवारी ने कहा कि जेल सरकार नहीं बल्कि गैंग चलाता है। कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपने बारे में ना सोचकर दिल्ली वालों के बारे में सोच रहा है? कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपनी इतनी बड़ी तकलीफ के बारे में ना सोचकर दिल्ली वालों की छोटी छोटी पानी और सीवर से जुड़ी समस्याओं के बारे में सोच रहा है? ऐसा व्यक्ति सिर्फ अरविंद केजरीवाल ही हो सकता है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल अपने आप को सिर्फ दिल्ली का मुख्यमंत्री नहीं मानते हैं, वो दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को अपना परिवार मानते हैं। उन्होंने 9 सालों से दिल्ली की सरकार को ऐसे चलाया है कोई अपने परिवार की देखरेख करता है। उनके लिए दिल्ली वाले सिर्फ उनके वोटर नहीं है, वो दिल्ली वालों के लिए सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं है, वो दिल्ली के हर व्यक्ति को अपने परिवार का सदस्य मानते हैं। उन्होंने दिल्ली की सरकार को एक बेटे की तरह, एक भाई की तरह, एक पिता की तरह चलाया है, और यही कारण है कि आज इतनी मुश्किल परिस्थिति में होते हुए भी वो अपने परिवार के बारे में सोच रहे हैं, हर दिल्ली वाले के बारे में सोच रहे हैं। ईडी की कस्टडी में एक मुजरिम और उसका रेफरेंस लेकर के आज एक स्क्रिप्ट रचा गया कि दिल्ली में पानी और सीवर गड़बड़ है, व्यवस्थित नहीं है। और ये तब हुआ जब उनकी गिरफ्तारी पे दिल्ली का कोई भी व्यक्ति उनके समर्थन में आना तो छोड़िए, वो न दुख भी नहीं जताया, ऊपर से खुशियां जता रहे हैं, मिठाइयां बांटी जा रही हैं, पटाखे फोड़े जा रहे हैं कि जिसने दिल्ली को रुलाया वो जेल में गया। क्योंकि आज दिल्ली की स्थिति अगर जाननी है मेरे भाई बहन, तो आप गलियों में जाकर देखिए, नालियों की स्थिति, पानी भरा हुआ, गली में आता हुआ, घरों में घुसता हुआ, घरों में गंदा पानी आ रहा है पीने के नल में, या कहीं अगर एक झुग्गी में भी है तो उसके पानी की क्वालिटी को आप पी नहीं सकते, पीते हैं तो बीमार होते हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जो लोग नैतिकता की दुहाई देते थे वही भ्रष्टाचार करने लगे। उधर इंडिया गठबंधन ने केजरीवाल को पूरा समर्थन दिया है। संजय राउत ने कहा कि उनकी पार्टी केजरीवाल के साथ खड़ी है।
संजय अनुपम कह रहे हैं कि अरुण केजरीवाल को इस्तीफा भी देना मुझे मालूम। हम सभी लोग इस संघर्ष की घड़ी में, इस अग्नि परीक्षा की घड़ी में केजरीवाल जी के साथ डटकर खड़े रहेंगे और है। नैतिकहीन लोग मुख्यमंत्री बनेंगे जो जेल जाएंगे? छी 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 छी, कम से कम अपने पड़ौधा, उनके पड़ौधा तो लालू जी है, लालू जी से सीख ले। वो भी जेल जाने लगे तो पत्नी को बना दिया, आप भी पत्नी को बना दीजिए। हेमंत सोरेन से सीखे, ये नैतिकता नाम की कोई चीज नहीं बनी बची है केजरीवाल साहब में, इसीलिए ऐसी बात करते हैं। अब इनका मुखौटा खुल गया है, कट्टर ईमानदार कहने वाले कट्टर बेईमान निकले। वहीं केजरीवाल पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का भी हमला देखने को मिला है। शराब घोटाले के केजरीवाल किंग पिन है, भ्रष्टाचार की वजह से केजरीवाल गिरफ्तार, लोकतंत्र नहीं भ्रष्टाचारी खतरे में है। तो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने केजरीवाल पर निशाना साधा है और उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचारी खतरे में है। यही अंतर है इनमें और हम में। ये भ्रष्टाचारी को बचाने को कहते हैं, लोकतंत्र को बचाना है। ये कल तक जब शराब घोटाले के आरोप अरविंद केजरीवाल पर लगाते थे, वही कांग्रेसी आज उनकी जेब में जाकर बैठ गए हैं, उनकी गोद में जाकर बैठ गए हैं। क्यों? राहुल गांधी जी की जुबान बंद हो गई, कांग्रेस नेताओं की जुबान बंद हो गई। क्या मजबूरी है केजरीवाल के साथ रहना जरूरी है?